अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द जेई स्टूडेंट्स और भी दूसरे कोर्सेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारे बच्चे जो कि एलपीयू नेस्ट के लिए आप लोग अगर सर्च कर रहे हो, भरने का अप्लाई करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। आप लोग अभी तक एग्ज़ाम्स अपने दे रहे थे ऑफलाइन में, ऑफलाइन सेंटर्स आपको चूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन फाइनली आप लोगों के लिए तरीके से खुशखबरी आई है। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन सेंटर्स के साथ अब जाकर के आप ऑनलाइन सेंटर्स भी चूज़ कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। दूसरी खुशी आप लोगों को दे देना चाहूं, जहां पे आप यार किसी भी फॉर्म्स को अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं से भी लिंक से एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन देने की, जहां पे आपको ढेरों स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, साथ ही साथ जाकर के अगर आप एनआईटीज इन सब में एडमिशंस लेते हो तो आप लोगों का स्टडी ग्रांट मिल जाता है 1,00,000 रुपए तक का। तो ये सारी चीज आपको तो मिल ही रही है। कहीं और से अप्लाई करते हो तो 1,000 रुपए में आप लोगों को भैया अप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास एक ऐसी लिंक है जहां से आप लोग यार 450 रुपीज में जाकर के आप लोग अप्लाई करने वाले हो, 550 रुपए का ऑफ हो जाने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी 1,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उस चीज के लिए। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? घर से एग्जाम दे सकते हो, और जब घर से एग्जाम दोगे तो सारी ट्रिक्स और ये सब कुछ लगा सकते हो और मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स आप ग्रैब कर सकते हो। नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है आप लोगों के लिए। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यार, अगर आप लोगों को है कि जैसे आपने मेरे लिंक से अप्लाई कर लिया, अगर आपको फिर है कि किसी काउंसलिंग की दिक्कत आ रही है एलपीयू में एडमिशंस के लिए, तो एलपीयू इन योर टाउन भी आ चुका है, जहां से जाकर के आप लोग अपने स्टेट चूज कर सकते हो और जिस स्टेट के सारे एड्रेसेस आपको आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा के बच्चे हो तो हरियाणा सेलेक्ट करके फिर उसके नीचे आपको आ जाएगा अंबाला में है, सोनीपत में है, जहां पे भी है, ठीक है। तो वहां से आप लोग उन काउंसलर्स के पास जाकर के जो भी आपको इशू है एलपीयू के अंडर कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज आप जाकर के उन काउंसलर से जाकर बातचीत कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज यार एलपीयू कर रहा है, इससे पहले नहीं किया करता था, इस बार ये चीज भी आप लोगों के लिए करी जा रही है। आप जाकर के इनकी वेबसाइट पे ही चेकआउट कर सकते हो, जाकर के अप्लाई कर लेना, क्योंकि इनकी लास्ट डेट है 20th अप्रैल फॉर द फेज वन। ये बाद में एक्सटेंड होगी तो पता नहीं, फेज वन का 20th अप्रैल है, फिर इसके बाद फेज 2 फेज 3 ये सब तो चलते रहेंगे बहुत लास्ट तक, लेकिन स्कॉलरशिप्स कम हो जाएंगी, इसलिए अभी जाकर के अप्लाई कर लो। ज्यादा इंतजार मत करो, जल्दी से अप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।